क्या आप लोग भी यूरिक एसिड के लेवल से बढ़ने से परेशान हैं या फिर अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आप किन किन चीज़ों को खाने से परहेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप खाने में किन किन चीज़ों से परहेज कर सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं। अच्छा अर्थराइटिस अपने साथ जोड़ों के दर्द और सूजन की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। अगर शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल कर लिया जाए तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। सर्दियों में यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि इस मौसम में हम तला भुना हुआ ज्यादा खा लेते हैं, जिसके कारण हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके लिए हमें अपने खाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड बढ़ाने वाली चीज़ें खाने से कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है। इसमें सबसे पहले फूल गोभी और गोभी और साथ ही मशरूम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यूरिक एसिड प्रॉब्लम से बचने के लिए फूल गोभी, स्प्राउट्स और मशरूम नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में प्यूरिन होता है जिस कारण हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इन हम बात करते हैं कि हमें नॉन वेज और सी फूड खाने से भी परहेज करना चाहिए। नॉन वेज में प्यूरिन बहुत ही ज्यादा होता है जिसके कारण यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और गठिये का दर्द भी हमारे शरीर में होने लगता है। इसलिए नॉनवेज खाते समय उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लीवर या फिर किडनी, क्योंकि हम लीवर या किडनी खाएंगे तो उससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और साथ ही सी फूड में केकड़ा और झींगा भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन सभी चीजों से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। थर्ड हम बात करते हैं कि हमें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। यूरिक एसिड के पेशेंट को जंक फूड, फास्ट फूड, तली भली हुई चीजें या फिर मसालेदार चीजें, साथ ही कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट वाले फूड्स भी हमें नहीं खाने चाहिए। इन्हें खाने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिसे हमें प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट्स भी नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन कम करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड के पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रोटीन और प्यूरिन से भरपूर फूड्स का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। प्यूरिन से भरपूर फूड्स जैसे कि दूध, दही, राजमा, हरी मटर, पालक, दाल या फिर छिलके वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। यूरिक एसिड के पेशेंट को दही खाने से भी परहेज करना चाहिए। इसमें मौजूद ट्रांस फैट शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है। साथ ही हमें हाई शुगर वाली ड्रिंक्स भी नहीं पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा, सिकंजी या फिर हाई शुगर कंटेंट वाले पैकेट्स फूड, फ्रूट्स, जूस से भी हमें खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपने आहार में शहद, सोया मिल्क या फिर कॉर्न सिरप, साथ ही हमें हाई फ्रुक्टोज वाले फूड्स को भी नहीं खाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को खाने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिससे यूरिक एसिड के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही शराब या फिर काली चाय या फिर कॉफ़ी सहित कोई भी हाई शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं कि रात के खाने में हमें दाल चावल कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। यूरिक एसिड के पेशेंट को सोने से पहले रात के खाने में दाल या चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल जो होते हैं वे यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं जिससे उंगलियों और जोड़ों में गठिया का दर्द भी होने लगता है। साथ ही अपनी डाइट में छिलके वाली दालों को भी शामिल नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके संतुलित मात्रा में ही आपको खाना चाहिए। एक बार में अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं उससे हमारे
वजन में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, जिससे गाउट की प्रॉब्लम भी होने लगती है। सो अगर आपका भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो ध्यान रखें कि आप भी इन सभी चीजों का सेवन ना करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर वीडियो से कोई भी टिप्स मिली होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें।